मैं मंजू शुक्ला स्पिरिचुअल हीलर आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने 10 दिन से अपने आप को घरों में लॉकडाउन रखा हुआ है। दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कोविड-19 महामारी चारों तरफ हर देश में पूरी तरह से फैली हुई है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। हजारों लोग इससे मर भी रहे हैं, पर उन आंकड़ों को मैंने देखा जो लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं उसमें से 80% लोग अपनी विल पावर से मजबूती से स्वस्थ होकर बाहर आए हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि विल पावर की ताकत बहुत बड़ी है। जैसे हम लोग जब टीवी के न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो हमारे पास एक ही चीज़ें दिखती हैं कि इतने लोग इस बीमारी से ग्रसित हो गए, इतने लोग मर रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ रहा है। तो जब हम ये सब देखते हैं तो हमारे अंदर डर और दहशत का माहौल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपने लॉकडाउन के सारे नॉर्म्स को फॉलो किया है, आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, आप किसी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं, आपने कोई भी चीज़ छुआ बाहर का जाके छुआ नहीं है, तो आपको ये बीमारी नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको मेंटली रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा और स्वयं को विश्वास दिलाना होगा। जैसे ही आप अपनी मेंटली रूप से अपने आप को ये विश्वास दिलाते हैं कि ये बीमारी मुझे नहीं हो सकती क्योंकि मैं सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपके अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता की ताकत बढ़ जाती है। और जैसे ही ताकत बढ़ती है तो आप स्वयं से सिक्योर हो जाते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये समय बड़ा गोल्डन पीरियड है। अगर रोज़मर्रा के काम के साथ साथ हम लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ समय बिता नहीं सकते थे, आज हम सब अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, तो इस समय हमें ये ताकत मिली कि हम एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे के साथ इमोशंस को शेयर कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये प्रार्थना है कि घर में सभी लोग मिलकर इस समय योग और ध्यान करें, क्योंकि योग और ध्यान आपको एक ताकत देता है हर चीज़ से पॉजिटिवली सोचने समझने की। तो अगर आप एक घंटा एक पूरे दिन का 24 घंटे में से निकालते हैं अपने लिए और सब परिवार योग ध्यान करते हैं तो आप कूल एंड काम फील करेंगे। तो ऐसे में हील योरसेल्फ बाय योगास। थैंक यू सो मच।